कैसी स्थिति। सिवान की इस पावन धरती पर आने का मौका मिला और आज इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, बिहार सरकार की मंत्री बहन श्रीमती लेसी सिंह जी, पूर्णिया के माननीय सांसद आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित गोरिया कोटी के लोकप्रिय विधायक दिनेश कान जी, माननीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक हेम नारायण शाह जी, जदयू के नेता हमारे भाई साथी आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के महादेव पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद जी, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव जी, पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथियों, आज साथियों आपसे आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, 2024 का चुनाव आने वाला और 25 तारीख को आप मतदान करने वाले हैं। देश का भविष्य, बिहार का भविष्य, भारत कैसे पड़ेगा इसकी चिंता करने आया और साथियों आपने 2014 में इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया और आपने देखा साथियों कैसे विकसित भारत हो रहा है, कैसे दुनिया में हमारी आर्थिक व्यवस्था की चर्चा हो रही। आज तक हमको गरीब राज कहा जाता था, गरीब देश कहा जाता था, दुनिया में चौथा दुनिया कहा जाता था, लेकिन आज भारत आगे बढ़ रहा है और इतिहास के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, उसने 200 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया साथी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी आए और मेकिंग इंडिया का सपना हम लोगों को दिखाए, आज दुनिया में स्थापित हो गया। जिस अंग्रेज ने 200 वर्षों तक हमको लूटा था, हम 12वें स्थान पर 2014 में खड़े थे आर्थिक व्यवस्था में, उसी अंग्रेज को हराकर हम 5वें स्थान पर आ गए साथियों। इस तरह देश बढ़ रहा है।
दुनिया में घट रहा है। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। और साथियों आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आज मोदी जी ने तय किया है हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। ये ऐसा भारत बनाना है। लेकिन साथियों लोग पूछते होंगे, लोग गांव में आते हैं चर्चा करते हैं, इंडी गठबंधन के लोग आपके बीच में आएंगे, लोग भ्रम फैलाएंगे, कहेंगे मोदी जी ने क्या दिया। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं सर, मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है 2014 में कहा था घर घर गांव गांव बिजली पहुंचाऊंगा। मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाया। मोदी और नीतीश कुमार ने तय किया 2017 में कि हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, घर घर बिजली पहुंचाए। अब मोदी जी ने तय किया है 2024 में वोट कीजिए, आपको गारंटी देता हूं ये जो गरीबों का बिजली बिल है इसको सोलर युक्त करके बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी सरकार करेगी। साथ भारत को विकसित करना है। और आप सोचिए पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए साथियों जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, मंगल जी ने आपको बताया 550 वर्षों तक प्रभु श्री राम टेंट में इंतजार कर रहे हैं। इस देश में गरीब भी 5000 वर्षों से घर खोज रहे थे। आजादी के बाद 3,68,00,000 लोगों को इस देश में पक्का मकान मिला और मोदी जी के शासनकाल में 4,21,00,000 परिवार को पक्का मकान मिला। बिहार में अकेले 55,00,000 मिला साथियों। लेकिन जब गरीबों को पक्का मकान मिल रहा था तो दूर बैठे अयोध्या में प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे। मैं तो लव को समाज से आता हूं साथ, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता है और पूरा देश इंतजार कर रहा था आप यहां से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम जाए। जैसे ही पिछले बार आपने कविता सिंह जी को यहां से चुनाव जिताया 2020 में मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर में काम शुरू करने का काम किया और आज भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। इसलिए मैं साथियों आश्वस्त करता हूं विजयालक्ष्मी जी के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। 2024 में एक वोट दीजिए। और हम लोगों ने भी तय किया है उत्तर प्रदेश में जिस तरह भव्य राम मंदिर में भगवान राम चले गए उसी तरह हम लोग तो बिहार के लोग माँ जानकी के स्थान जन्म स्थान पर है, हम लोगों ने भी तय किया है उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया, अब हम लोग बिहार के सीतामढ़ी में भी माँ सीता का एक भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। और साथियों मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं बना रहे। ये जो दूसरे पार्टी के लोग हैं साथियों, कोई निर्दलीय घूम रहा है और कोई लालटेन लेके घूम रहा है। लालटेन का युग है, अरे अब तो एलईडी बल्ब का युग आ गया ना, लालटेन तो समाप्त हो गया। तो भाई साथियों आग्रह करने आया हूं कि पूरी तरह बिहार में एक मजबूत सरकार देश को देने की जरूरत है। और यदि कोई जीत कर आएगा निर्दलीय प्रत्याशी से पूछिएगा, लालटेन वाले प्रत्याशी से पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, किसको बनाओगे, उनको तो पता नहीं है, पटना में जो बेटा उनका आका है उनको भी पता नहीं, उनको भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन यदि विजयालक्ष्मी जी को यहां से चुनाव जिताइएगा तो मैं गारंटी देता हूं
इस देश का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, कोई रोक नहीं। और मजबूत सरकार इसलिए चाहिए सर, अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, आपने देखा भारत के बच्चे वहां फंस गए, भारत के बच्चे मेडिकल करने गए थे, लोगों को चिंता थी कि कैसे हम रशिया से निकलकर यूक्रेन से निकलकर हम भारत जाएंगे। भारत के बच्चे ने जब फोन करके मोदी जी को कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं बात करता हूं पुतिन से, और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को फोन करके कहा युद्ध रोको, युद्ध रुक गया साथियों। यह है दुनिया में भाग, दुनिया में डंका बज रहा, युद्ध रुक गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ग्लेस्की ने पूछा मोदी जी युद्ध तो रुक गया, भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे, मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथी। यह है ताकत साथी, आज दुनिया में डंका बज रहा, इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, कुछ लोग आएंगे भ्रम फैलाएंगे, कुछ लोग कहेंगे आरक्षण खत्म होने वाला है, कुछ लोग कहेंगे संविधान खतरे में है, आप उनसे पूछिएगा। 15 साल तक उनके मम्मी पापा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला साथ, न पिछड़े को न दलित को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार रही है, चाहे वो मंडल कमीशन हो या कमंडल हो, दोनों का भाजपा को समर्थन प्राप्त रहा है। और जब उन्हें 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो महिलाओं को 50% आरक्षण, बिहार में अति पिछड़े को 20% आरक्षण, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को 17% का आरक्षण। और ये जो हमारी बहनें खड़ी है पुलिस वाली, इनको देखिए, इनको समझिए, यदि आज 35% का आरक्षण नीतीश कुमार ने नहीं दिया होता तो हमारी बहनें यहाँ खड़ी नहीं होती। ये है नीतीश कुमार और बिहार की सरकार का योगदान। और साथियों याद कीजिए, लालू जी बोलते तो बहुत चीज है, देते कुछ नहीं। लालू जी 15 साल तक राज किए, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार चली, 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया। और आज हम आपको स्वस्थ करके जाते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव में आऊंगा, अगला साल चुनाव होने वाला है फिर आऊंगा। ये जो नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करने के बाद ही आपसे वोट मांगने आऊंगा साथ, ऐसे नहीं आऊंगा। इसलिए साथियों दूसरे तरफ लालू जी के परिवार को चिंता है, उनके लिए आरक्षण उनकी बेटी है, उनके लिए उनकी पत्नी है, उनका बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया। और आजकल आपके बगल के सीट पर एक बेटी जब जंगल राज था, और लालू जी आज यदि चारा में सजा होता है तो यही बेटी है जिसका फीस जो है पशुपालन माफिया ने जमा किया था, यही दोनों बेटी है जिसके फीस को माफियाओं ने जमा किया था, पशुपालन माफियाओं, जिसके चलते लालू यादव जेल में है। और आज वही बेटी जब जंगल राज था तो बिहार छोड़कर भागकर सिंगापुर चली गई थी, आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन काल